अगर 5 से 6 दिन पहले कोई मुझे या तुम्हें प्रिडिक्ट करने को कहता कि भाई एनिमल 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में कितनी कमाई कर लेगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ 150 करोड़ इतना लिख देते। लेकिन किसको पता था कि भाई 1 दिन में 100, दूसरे दिन 200, तीसरे दिन 300, इतने बड़े नंबर्स दिखा जाएगी ये मूवी। बॉलीवुड में सिर्फ एक बंदा है जिसने 1 दिन में 100 करोड़ से ऊपर की कमाई दिखाई है अपनी मूवीज में, और वो है शाहरुख खान। उन्होंने ये चीज 8 बार करके दिखाई है, और अब उनके बाद भाई नाम आता है रणबीर कपूर का, जिन्होंने ये चीज 3 बार करके दिखा दी है। तुम खुद सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि आज तक बॉलीवुड में इन दोनों के अलावा कोई भी एक सिंगल डे पे 100 करोड़ की कमाई नहीं कर पाया है अपनी मूवी के साथ। जिस स्पीड से एनिमल चल रही है ना, तो भाई बहुत खतरे में है सारे रिकॉर्ड्स। जवान जो नंबर 1 पोजीशन, उसके बाद गदर 2, उसके बाद पठान, जो ये हिंदी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके बैठे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही इनकी पोजीशन। अब दूसरी तरफ सैम बहादुर भाई, जिस मूवी ने स्टार्ट तो स्लो ली थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रही है, लेकिन फिर भी क्लैश के कारण इस मूवी का अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। ये मूवी ने जितने 3 दिनों में पैसे कमाए हैं ना वर्ल्ड वाइड, ये हिसाब लगाओ कि एनिमल के आगे एक और 0 लगाना पड़ेगा, तब उतने नंबर बन जाते हैं। तो बात करें कि एनिमल की 3rd डे पे और 4th डे पे कैसी कलेक्शन निकल के आ रही है, और उसके सामने सैम बहादुर क्या टिक पाएगी, या फिर टिक पा रही है कि मतलब उतने नंबर्स दे रही है कि हाँ वो मूवी हिट हो जाए, क्योंकि उसका बजट 55 करोड़ है, वहां तक वो पहुंच पाएगी। तो सबसे पहले अगर एनिमल की बात करें, तो उसने संडे को 71.2 करोड़ के आसपास की कलेक्शन करके दिखाई है, जो कि एक उसका सबसे हाईएस्ट नंबर है। और अगर 3 दिन में उसका वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन देखा जाए, तो 356 करोड़ पे पहुंच गया है। इस मूवी ने पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पठान ने 3 दिनों में 313 करोड़ कमाए थे। वहीं पे जवान से ये थोड़ा सा पीछे है, जिसने 386.6 करोड़ कमाए थे। वहीं पे अगर हम बात करें कि मंडे को इसकी कलेक्शन कैसी निकल के आ रही है, जो कि एक वर्किंग डे है, तो ये 32.4 करोड़ के आसपास की कलेक्शन निकाल के दे रही है। अगर हम देखें कि क्या जवान कैसी कलेक्शन दे रही थी अपने फर्स्ट मंडे को, तो देखो जो जवान थी वैसे वो थर्सडे को रिलीज हुई थी, एनिमल फ्राइडे को रिलीज हुई है। तो अगर कायदे से देखा जाए, तो वैसे तो जो जवान का 4th डे था वो संडे था, जिसको उसने 80 करोड़ कमाए थे, लेकिन जो उसका फर्स्ट मंडे था 5th डे, उसने भी 32.12 करोड़ के आसपास की कलेक्शन की थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल उसी पाथ पे चली हुई है। तो क्या ये भाई 1000 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन कर पाएगी, देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। वहीं पर अगर सैम बहादुर का देखा जाए, 55 करोड़ में ये मूवी बनी है, 3 दिनों में इसने वर्ल्ड वाइड 35 करोड़ की कलेक्शन ऑलरेडी कर ली है। संडे को इसने 10.02 करोड़ के आसपास की कलेक्शन निकाल के दी है। वहीं पे जो इसके मंडे के एस्टिमेट्स है, वो भी 2 to 3 करोड़ के निकल के आ रहे हैं, जो कि एक छोटा नंबर कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि भाई थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा रहेंगी ही, क्योंकि एनिमल बहुत ज़्यादा बड़े नंबर दिखा रही है। मतलब वो वर्किंग डे पे भी वो वैल्यू दिखा रही है जो भाई इस मूवी ने 3 दिन में वर्ल्ड वाइड मिल के कमाए हैं, तो फिर थोड़ा सा तो कम लगेगा नंबर। हाँ, इसको अच्छा खासा जो नुकसान हो रहा है क्लैश का, मतलब वही बात है ना, क्लैश से हमेशा एक मूवी को तो नुकसान होता ही है। जैसे गदर 2 और ओ माई गॉड 2 थी, लोगों को शायद ओ माई गॉड 2 ज़्यादा भी पसंद आई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भाई हमें गदर 2 से ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन हुआ क्या, गदर 2 पहुंच गई 500 करोड़ से भी ऊपर, लेकिन ओ माई गॉड 2 सिर्फ हिट वाला मार्क ही पार कर पाई। तो एक मूवी को तो नुकसान होता ही होता है। आपने भाई दोनों में से अगर कोई मूवी देखी है, कमेंट में ज़रूर बताना। दोनों के रिव्यू चैनल पे अपडेट कर दिए हैं, देखने में इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।